ट्रैफिक एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विचार हुआ। मेले के दौरान देवी देवताओं के साथ आए देवलुओं को ठहरने व रहने की उचित व्यवस्था बनाने के बारे में चर्चा हुई, ताकि देव आस्था से जुड़े पारंपरिक उत्सव भविष्य में भी जारी रहें। एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन ने बताया कि फाग मेला बुशहर का पारंपरिक मेला है। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन हो, इस पर भी चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि ये मेला लोगों की आस्थाओं से जुड़ा है और इसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी अधिक रहती है। उनका प्रयास रहेगा कि इस मेले के दौरान देवी देवताओं का निर्वहन सुनिश्चित हो। पारंपरिक फाग मेला 30 मार्च से 2 अप्रैल तक मनाया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सेकंड, इसके आयोजन बारे जो कार्यकारी अधिकारी हैं, उनको सभी आदेश दे दिए गए हैं। फर्स्टली उसमें देवताओं को न्योता देना, उनको प्रॉपर आस्था से बुलाना, उसके बाद मेले के तैयारियों बारे, चाहे वो सफाई की व्यवस्था हो, स्टॉल आवंटन का हो, स्टॉल जो दिए जाएंगे लोकल जो लोग हैं उनको ही दिए जाएंगे, बाहर के लोग इसमें हम नहीं मानेंगे। और इसके अलावा जो दूसरी तैयारियां हैं देवताओं देवलुओं को, जो भी हम यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, उसके बारे में इनको जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए।